ऑफिसर साहिबान मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के मुलाजमीन, मीडिया से आए हुए, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए हमारे दोस्त, हमारे साथी, मेरे साथ मेरे दोस्त आए हुए कुलदीप सिंह महाराज जी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और काम करते हैं, गवर्नमेंट के साथ मदद करते हैं, स्कूल के हेडमास्टर्स इंचार्ज और प्यारे स्कूल के बच्चों जो आप यहाँ आए हो आज, रोड सेफ्टी वीक मनाते थे, अवेयरनेस करते थे ताकि लोग जो है वो सेफ रहें जब वो ट्रैवल करते हैं। अब यहाँ तक नौबत आ गई है कि गवर्नमेंट ने इसको इतना सीरियस तरीके से देखा है कि अब रोड सेफ्टी मंथ बनाया जा रहा है, और इसमें आज जो पहल की है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और सब हजरात जो यहाँ आए हैं और ये स्कूल के बच्चे जो कल के शहरी हैं, जिन जो इस देश को आगे चलाना है, जो ये शमूलियत कर रहे हैं और ये पैगाम समाज में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ। एक्सीडेंट्स एक सीरियस चैलेंज है, इतने लोग एक्सीडेंट्स में मरते हैं, इसका स्टैटिस्टिक्स अगर देखेंगे तो मिलिटेंसी से उतना लोगों की जानें नहीं गई हैं जितने एक्सीडेंट्स में गई हैं, और हजारों लोग जख्मी हालत में अस्पतालों में पड़े होते हैं, इंजरीज आती हैं, हॉस्पिटल का उनका खर्चा, इंश्योरेंस कंपनीज का क्लेम, करोड़ों के बजट को इफेक्ट करता है। ये कीमती जाने तो जाती हैं, खानदान पूरे तबाह हो जाते हैं एक्सीडेंट से। पिछले दिनों में ही मैं कहीं अखबार में पढ़ रहा था, एक्सीडेंट हुआ और 5 लोग घर के एक्सीडेंट में मारे गए और एक छोटा बच्चा कहीं बच गया उनका, 5-6 साल का, पूरा खानदान तबाह हो गया। इसके लिए बहुत सारी कोशिश सरकार कर रही है, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट एनफोर्समेंट तो करती है, लेकिन इतनी डिप्लॉयमेंट वो कहाँ कहाँ करेंगे, किस मोड पे रहेंगे, किस सड़क पे रहेंगे, किस वक्त रहेंगे, ये नामुमकिन बात है। जब तक सड़क पे चलने वाला आदमी, अगर वो पैदल चल रहा है उसको भी अवेयर होना है, और जो गाड़ी चलाने वाला है उसको तो होना ही होना है, लेकिन चलने वाले को भी, कहीं क्या पता ड्राइवर की गलती ना हो, क्रॉस करने वाला ही गलत हो और एक्सीडेंट की जद में आ जाए। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि पैदल चलने वाला भी सड़क पे जब चलता है उसको भी अवेयर होना है। तो रोड सेफ्टी मंथ का मतलब ये है, हर शहरी को, हर बच्चे को अवेयर होना है कि रोड के ऊपर कितनी सुरक्षा हो सकती है, तभी जीवन सुरक्षा हो सकती है। इसलिए ये आज का पैगाम इस पूरे मंथ का यही है, रोड सुरक्षा, जीवन सुरक्षा, इसको सेफ्टी बनाना है, और उसके लिए क्या क्या करना है ये बड़े तफसील से हमारा महकमा आपको बताएगा। मैं अभी जल्दी में हूँ, मैं जो किसी और प्रोग्राम में भी इसी तरीके से शमूलियत करनी है, मैं यही यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ आपके थ्रू कि हर आदमी अलर्ट रहे, सेफ रहे, सेफ ड्राइविंग करे, नशे की हालत में कोई जो है वो गाड़ियाँ ना चलाएं। अगर कोई नशे की हालत में ड्राइवर है, पैसेंजर का फर्ज है उसको डिटेक्ट करना, रोकना, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट चेक पोस्ट को बताना, क्योंकि एक आदमी के हाथ में पूरे बस की में जो लोग सवार होते हैं जिंदगी होती है, उसके ऊपर नजर रखो आप लोग कि ये ठीक गाड़ी चला रहा है, ये कहीं मोबाइल पे बात तो नहीं कर रहा, ये और स्पीड तो नहीं कर रहा है, ये गाड़ी कहीं खराब तो नहीं है,
कुछ जगह लोगों ने जब एक्सीडेंट्स हुए हैं, मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है, लोग बाद में ये फीडबैक देते थे कि सर इस गाड़ी को ही प्रॉब्लम थी, ये रास्ते में भी दो बार खराब हुई, चली फिर धक्का लगा, अल्टीमेटली एक्सीडेंट हुआ। तो ऐसे इंडिकेटर्स जब आते हैं, लोगों का फर्ज है टाइमली इंटीमेट करना, पुलिस को इंटीमेट करना, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को बताना, तहसीलदार साहब को बताना, ताकि कार्रवाई जो है इस पर लाई जाए। लेकिन वो सब कार्रवाई एनफोर्समेंट से सबसे बड़ा है खुद की अवेयरनेस, अलर्टनेस, ड्राइव करने वाले की भी और पैसेंजर की। आज 32nd इसका रोड सेफ्टी मंथ था, पहले रोड सेफ्टी वीक हुआ करता था, तो अब गवर्नमेंट ने इसको एक महीने के लिए अवेयरनेस के लिए कदम उठाए हैं। आज इस प्रोग्राम में जो स्कूल के बच्चों ने शिरकत की और जो मौजूद शहरी आए, इनके ज़रिए से और आप लोगों के मीडिया के ज़रिए से, मैं लोगों तक ये कहना चाहता हूँ कि पैसेंजर्स और ड्राइवर्स दोनों ही मिलके अपनी सेफ्टी का ख्याल रखेंगे। जब सड़क पे एक पैसेंजर चल रहा होता है, उसको खुद को भी अलर्ट रहना है कि क्या पता ड्राइवर की गलती से या उसकी अपनी गलती से एक्सीडेंट हो सकता है। और जो ड्राइवर्स हैं, उनके हाथ में बाकी लोगों की ज़िंदगी होती है, उनको एक किस्म का भगवान के बाद दूसरा अगर लाइफ उनकी लेने का अगर कोई या बचाने की कोई जिम्मेवारी है, वो ड्राइवर की है। तो ड्राइवर की जो नेग्लिजेंस है, उसकी वजह से ही एक्सीडेंट, मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं। इनको बचाने के लिए पब्लिक से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अपनी रोड के ऊपर सेफ्टी खुद रखें। ड्राइवर की कोताही या गलती कहीं होती है तो तुरंत लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, चेक पोस्ट, उनको इंटीमेट करें। और महकमा जो हमारा है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, वो चुस्ती बरते और उसको एक पूरे महीने एक मैसिव कैंपेन हम करेंगे अवेयरनेस का, कि पब्लिक से मिलके हम खुद सब लोग मिलके इसका सुधार करेंगे और लोगों की जानें बचाएंगे। हमारा जो ये ट्रैफिक वीक नहीं है, इस पर ट्रैफिक मंथ है, जिसमें हमने बेसिकली रोड सेफ्टी मंथ का यही मिशन रहता है कि उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ताकि मैक्सिमम लोगों को अवेयर किया जाए रिगार्डिंग रोड सेफ्टी। आपने देखा ही होगा, अगर यहाँ पे कोई सबसे कोई डेडली डिजीज़ होगी, उससे इतनी डेथ नहीं होती है जितनी एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है। तो सरकार ने इसको इस बार जो है सीरियस लिया है, और हमें इंस्ट्रक्शन आई हैं कि आपने इस बार वीक नहीं मंथ लगाना है, और हम पूरे मंथ में होल डिस्ट्रिक्ट रजौरी जो कवर करेंगे, यहाँ पे कामन हर एक लोगों को, कामन पीपल को जो भी होंगे वहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाएंगे, और वहाँ पे हम लोगों को अवेयर करेंगे रिगार्डिंग रोड सेफ्टी। क्या उस समय तो इससे लोगों को फ़र्क पड़ता है, लोग कहीं कहीं अवेयर होते हैं और कहीं भी फ़ायदा पहुँचता है जिस जो मिशन लेकर चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इससे मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मोस्टली हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। बच्चों को इन्वॉल्व करने का मकसद ये रहता है कि बच्चों को अगर जो बात सिखा दी जाए, वो एक लर्निंग स्टेज होती है, अगर वो बात सिखा दी जाए तो वो अपने घर में, अपने दोस्तों को, अपनी सोसाइटी में हर किसी को बताते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं। सर, क्या लगता है कि सिर्फ गवर्नमेंट का और डिपार्टमेंट का ही रोल बनता है इसमें, कि जबकि आम जनता का भी, पेरेंट्स का भी रोल बनता है? कि मेरी आपके माध्यम से ये अपील है, सिविल सोसाइटी से, जनरल पब्लिक से मैं ये कहूँगा कि काइंडली इसमें मोटर व्हीकल, जो मोटर व्हीकल रूल्स हैं और मोटर व्हीकल एक्ट है हमारा, इसकी नॉलेज सभी को होनी चाहिए। हमारे क्या हम क्या क्या ऑफेंस होते हैं, इसकी नॉलेज सभी को होनी चाहिए। और रोड सेफ्टी अगर ना अपनाई जाए तो उससे कितना नुकसान होता है, ये पेरेंट्स को, बच्चों को, सोसाइटी को, सभी को पता होना चाहिए, ताकि इस चीज़ को हम रोक सकें। सर, क्या लगता है कि एक हफ्ते के बजाय इसे एक महीना करना, कहीं ना कहीं जो खतरे की घंटी बज रही है जिसके चलते इसको बढ़ाया गया, क्योंकि रोज़ाना देखा गया कि एक्सीडेंट ज़्यादा होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अब समझने की ज़रूरत है लोगों को ज़्यादा? नहीं, बेशक इसमें जो देखो ये सीरियसनेस है, ये लोगों के प्रति जो है सरकार की सीरियसनेस है, तभी इसको एक मंथ किया है। और एक मंथ के इस पूरे पीरियड में हम क्या करेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि घर घर और हर एक फर्द तक ये आवाज़ पहुंचे रोड सेफ्टी की अवेयरनेस। क्या ड्राइवरों को भी इस बारे जागरूक करवाया जाएगा, क्योंकि कहीं बार वो वायलेशन करते हैं वाहन चालक जो हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ड्राइवरों का तो हम रेगुलरली हर तरह के मेडिकल चेकअप कैंप, उसमें आई पे, ब्लड प्रेशर पे, इन चीज़ों पे काफ़ी फोकस करते रहे हैं। हम चलानिंग भी करते रहे हैं अगर कोई ऑफेंस हुआ है, और हमने
उनके रेगुलर हम करते ही रहे हैं, लेकिन मंथ में जो है इंक्लूडिंग देम, वो तो हमारी प्रायोरिटी है। ड्राइवरों को अवेयर करना, उनके मेडिकल चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज करना, ये हमारी प्रायोरिटी रहती है। बट इंक्लूडिंग देम इस बार हम जनरल पब्लिक को भी इन्वॉल्व करेंगे ताकि ये मैसेज हर जगह पर। सर, जिस दिन ट्राई होती है उस दिन क्या प्रायोरिटीज रहती हैं, जो न्यू जो ड्राइवर बनने जा रहे हैं उन्हें किस तरह की गाइडलाइन आपकी तरफ से? बिल्कुल, हम हर ट्रायल डे पे, पासिंग डे पे, हम जब भी हमारे ऑफिस में लर्नर डे होता है, गैदरिंग होती है, तो हम हर उन दिनों क्या करते हैं, हम उनको ब्रीफ करते हैं, हम उनको ट्रैफिक के रूल्स के बारे में बताते हैं, ट्रैफिक साइंस के बारे में बताते हैं, हम पेरेंट के हिसाब से उनको इतना भी बताते हैं कि आपको यहाँ पे कितनी स्पीड के साथ चलना है। हमारा हर एक दिन जो है वो एक तरह का अवेयरनेस होता है। बट इस बार हमारी अवेयरनेस थोड़ी सी कम इसलिए पड़ गई कि स्कूल में कोविड के कारण स्कूल नहीं चल रहे हैं, तो जब स्कूल चल जाएंगे, होपफुली जल्दी चलेंगे, तो हम स्कूल में बच्चों को भी अवेयरनेस कैंप रैलीज ऑर्गेनाइज करेंगे। सर, कई जगह पर ये शिकायत आती है कि ड्राइवर जो है वाहन चालक ज़्यादा किराया ले रहे हैं, जबकि कोरोना के टाइम किराया बढ़ाया गया था, उसके बाद कम किया गया था, तो इस तरह की शिकायत अगर आपके पास आती है तो किस तरह का एक्शन जो है वो लिया जाता है? बिल्कुल, हमने ये एक्शन लिए हैं। मेरे पास जहाँ जहाँ से भी शिकायत आई है मैंने पर्सनली विजिट किया है, मैंने अपने इंस्पेक्टर को भेजा है। उसके लिए मैं ये कहूँगा कि हमारा एक्शन थोड़ा सा डिलेड रहता है क्योंकि हमारे पास इतना स्टाफ नहीं होता है, हम MVD के 5-6 बंदे सारे हैं और हमें पूरा डिस्ट्रिक्ट रजौरी जो कवर करना है वो मुश्किल हो जाता है सेम डे। बट हम एक शेड्यूल बना लेते हैं, जैसे ही हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है हम शेड्यूल बना लेते हैं और हम ज़रूरी उस जगह पे जाते हैं, तो हम जाके वहाँ पे उनके जो ग्रीवेंसेज होते हैं उनको रिड्रेस करते हैं। और मोस्टली जो अगर हमें ये पता चलता है कि ये कौन से रूट पे चलने वाला है, मोस्टली रजौरी हेडक्वार्टर से गाड़ियाँ निकलती हैं, हम यहाँ पे भी उनको पहले वार्निंग दे देंगे, या फिर उनको हम क्या करते हैं, उनको हमने जो हमारा फेयर लिस्ट है वो हम उनको पब्लिक करते हैं, गाड़ियों में पेश करवाते हैं, और अगर कोई नहीं मानने वाला हो तो हम उनको पेनलाइज करते हैं एज पर मोटिवेट।